बात आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए आप इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, जेवी पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ। और यहाँ तक मैंने एक साल में दो क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 से जिसकी भी एज कम है किसी ने आईएलएस का एग्जाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस आईएलएस का एग्जाम क्लियर करने जा रही हूँ और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियरबाय 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोल कर बताएं? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पर्श, लनन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरफ्लिस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज एंड इंग्लिश। Would you like to speak two lines, includes all languages, all accents? Sure, and British it. Hello, my name is Hyun Wei, I'm studying 12th standard, and my age is 12, in American. Hello, and my name is Hyun Wei, I'm studying 12th standard, my age is 12, studying at JV Public School, in RP. Let's take a look at British accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Posh, is the Posh accent used mainly there when the Royal Persians of the UK being speaking it? Australian. Australian accent being a little bit of slow because the persons are speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from different accent from our throat, and from the Scottish. Everyone, this is the Scottish accent. It's about that we have to just have a limit of lower and to be speaking it, giving a limit of difference, and the Norfolk. Paying an Norfolk accent as you mainly in the UK, paying an RP or a safe pronunciation. These were all my accents and my language, French. Salut, je m'appelle Jean-Louis, je suis de la OGA, j'ai OGA, ma passée à la musique anglaise, je voudrais devenir à l'aise de Noël, merci beaucoup. Japanese, je m'appelle Watashi wa Janvi desu, Watashi wa desu ga, Ognishiroi omega ishimasu. आइए सर, परीक्षा आपको क्लियर करना है। 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में आईएएस करना है। अभी 12 ईयर की एज में आईएएस करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट आईएएस बनना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी? मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं, सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे सीएम आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड ईदर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला, क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है? उन्होंने कहा था मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड, बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है। और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो प्रशिक्षण बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने